गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर बच्चों। इसमें हम पहला जो सबसे पहली चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे। इसमें आपको एक पिक्चर दिख रही होगी शेर की, जिसके बहुत सारे बाल हैं, ओके। और इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास दो बैलून होंगे जिसको हम रब करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से उन दोनों में दोनों एक दूसरे से रिपेल करते हैं, ओके। दोनों के दोनों में रिपल्सन जनरेट होता है और ऐसा क्यों होता है हम इस चैप्टर में हम वो डिस्कस करेंगे। देखो आपके पास यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दो, एक रेड बैलून नज़र आ रहा होगा, एक ब्राउन बैलून। फर्स्ट हम रेड बैलून को रब करेंगे, देन हम ब्राउन बैलून को रब करेंगे। उसके बाद जब हम उन दोनों को नज़दीक लाते हैं तो बच्चों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से हुआ, हम ये सब चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में, ओके। लेट्स द फर्स्ट स्लाइड इन विच विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बच्चों हमारे जो नेचर में इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जो पहला इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। बच्चों ये आपके जो मैटर होता है यूनिवर्स में, जितने भी मैटर होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव बॉडी है। इनकी क्वांटिटी डिसाइड करती है कि हमें बताती है कि वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ओके। तो बच्चों जिस भी बॉडी में आकर है ना इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे तो हम उसको कभी कभी पोलराइज्ड बॉडी या न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। अगर उसमें बच्चों अगर उसमें डिफरेंट अमाउंट में ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है तो उस बॉडी को हम बोलेंगे चार्ज बॉडी, ओके। अ चार्ज बॉडी बच्चों हम नेचर में दो तरीके से बिहेव करती है, ओके। वो कभी वो अगर वो हमारे पास दो बॉडी हैं चार्ज बॉडी, अगर वो उनमें अनलाइक चार्जेस हैं, सपोज एक पहली हमारे पास दो चार्ज बॉडी है, एक क्या है हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है। अगर हम दोनों को बच्चों नज़दीक लाते हैं तो उनके बीच में हम क्या हम ऑब्जर्व करते हैं कि उनके बीच में अक्सर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इज इट क्लियर। और अगर हम लाइक चार्ज बॉडी को लाते हैं बच्चों तो उनके बीच में पाया जाता है रिपल्सन, ओके। उनके बीच में अक्सर क्या मिलता है, हमें रिपल्सन मिलता है। तो हमें से याद रखना बच्चों, हमारे पास अगर दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैं तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और दो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो उनके बीच में भी रिपल्सन होगा। जबकि हमारे पास दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो उनके बीच में अक्सर क्या पाया जाता है, अट्रैक्शन। तो हमने हम जो नेचर ऑफ फोर्स है बच्चों है ना, कि पॉजिटिव नेचर जो अट्रैक्शन फोर्स है और नेगेटिव रिपल्सन फोर्स है, वो कौन डिसाइड करता है, आपके बॉडी पर प्रेजेंट चार्जेस। अगर वो लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन होगा, ओके। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड इन विच विल डिस्कस अबाउट द एटम्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों ये जो अभी हमने डिस्कस किया उसको अब हम थोड़ा सा एलोबरेट करके हम डिस्कस करते हैं कि होता क्या है एक्चुअली, ये इस तरह से रिपल क्यों करते हैं और अट्रैक्ट क्यों करते हैं। बच्चों हम जानेंगे, पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे एटम्स के बारे में। एटम्स बच्चों हम वी नो वेरी वेल दैट इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। बच्चों ये तीन एलिमेंट्स हैं जो माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि एटम्स पॉजिटिव चार्ज होगा या है ना नेगेटिव चार्ज होगा, ओके। तो इसमें बच्चों जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, इट इज ए न्यूट्रल बॉडी, ओके। और जो आपका प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट है। तो इनकी जो इनकी क्वांटिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये डिसाइड करती है कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन को कोई रोल नहीं होता बॉडी को बॉडी चार्ज और अनचार्ज बॉडी को डिस्क्राइब करने में। सारा हमें डिस्क्रिप्शन हमें कौन बताता है कि ये पर्टिकुलर बॉडी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, हमें जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की वो बताती है। अगर बेटा ये क्वांटिटी सेम हुई किसी बॉडी में तो उस बॉडी को बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी, ओके। उस बॉडी को क्या बोलते हैं, हम न्यूट्रल बॉडी। यू विल सी इट हियर, दिस बॉडी इज नोन एज न्यूट्रल बॉडी, ओके। अगर बच्चों ये उनमें इंबैलेंस पाया जाता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी, इज इट क्लियर। उस बॉडी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी, इज इट क्लियर। तो हमारे पास अगर कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें अगर इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी। अगर हमारे पास कोई ऐसी बॉडी है बच्चों जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और प्रोटॉन्स कम है तो उसको बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है तो उसको क्या बोलेंगे, हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन डिसाइड द चार्ज प्रेजेंट इन एनी बॉडी। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी दो तरीके होती है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये किसके वजह से होती है, जो इम्बैलेंस होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स में, उसके वजह से हमें पता चलता है कि ये क्या होंगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी होंगी या नेगेटिवली चार्ज बॉडी होंगी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ ओके कम टू द नेक्स्ट स्लाइड बच्चों। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द सिंबल्स फॉर द इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं बच्चों, ओके। तो देखो बेटा यहाँ पर जब भी हमें दिखाना होता है कि हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे एक चार्ज बॉडी को या पर्टिकुलर चार्ज को, तो वो क्यू सिंबल होता है।
ठीक है। और हमारे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं, और ये अक्सर क्वांटाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का रूल हम इनमें लगाते हैं, तो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन क्या होता है, इट इज विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ है ना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन रूल लगता है इनमें, और आपको सबको मैं आपको पता है कि प्रोटॉन में प्लस ई चार्ज होता है और माइनस ई चार्ज होता है, आपने केमिस्ट्री में भी कई बार पढ़ा होगा। तो हम जो क्यू ऑफ प्रोटॉन और क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है प्लस ई और माइनस ई, इज इट क्लियर। तो आपका ये कितना है बच्चों, प्लस ई और माइनस ई, ओके ओके। तो यहाँ पर क्या है, प्लस ई माइनस ई, तो ये क्या है। नाउ बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ई की वैल्यू पता होगी, जल्दी फटाफट आप लिखिए अपनी ई की वैल्यू चैट कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं भी जानूँ कि आप में से कितने बच्चे इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो चार्ज होता है प्रेजेंट प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन में, उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है ई के बराबर, लेकिन ये पॉजिटिव होता है प्रोटोन में, और इलेक्ट्रॉन में ये नेगेटिव होता है, ठीक है। और बच्चों जो यूनिट होती है एसआई यूनिट फॉर है ना चार्ज, वो होती है बच्चों कूलम, ओके। इसको सी लेटर से हम सिंबल सी लेटर हम यूज करते हैं एज अ सिंबल फॉर कूलम, इज इट क्लियर। तो आपको हमेशा इस चीज को याद रखना है कि अगर कहीं पर आपको 10 सी लिखा मिलेगा, इसका मतलब है 10 कूलम है, ये एक चार्ज है, चार्ज प्रेजेंट है यानी पर्टिकुलर बॉडी, ओके। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग और अच्छा देखो मैंने अभी पूछा आपसे, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में ये आंसर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों चार्ज होता है, ये आर ई मिल्कर ने अपना एक है ना ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, ऑयल ड्रॉप। तो ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उसने ये वैल्यू कैलकुलेट की थी, जो ई की वैल्यू निकल के आई थी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम निकल के आई है, ओके। तो इस वैल्यू को सबके सब बच्चे नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, क्योंकि इसी जो भी कोई भी बॉडी चार्ज होती है बच्चों, इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज होती है, इज इट क्लियर। तो हमेशा कभी भी जो चार्ज होता है वो इसका मल्टीपल होगा, ओके, इज इट क्लियर। 1.6 × 10⁻¹⁹ न्यूटन का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना चार्ज इज ऑलवेज क्वांटिटाइज, उसकी वैल्यू जो जिसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है वो वैल्यू होती है ई, इसकी वैल्यू आती है 1.6 × 10⁻¹⁹, ओके। तो जो कूलम है बच्चों, अगर हमें इसको डिफाइन करना हो कूलम को, तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, आइए जानते हैं, ठीक है। तो जो इट इज़ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए करंट ऑफ वन एम्पियर इन ए सेकंड। बच्चों सपोज आपके पास एक वायर है, ओके, वायर में आपको एक सेकंड में अगर एक एम्पियर करंट जाती है, तो जितने वो एक एम्पियर करंट जितने इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाती है बेटा, ठीक है, एक सेकंड में एक वायर से, तो वो क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, कूलम, वन कूलम। इट इज है ना, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए वायर है ना, वायर हैविंग करंट ऑफ वन एम्पियर इन ए सेकेंड, इज इट क्लियर, इट इज नोन एज ए कूलम, ओके। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक जाना कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, उनकी यूनिट क्या होती है, उनके लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं। आ जाओ वापस हम अब डिस्कस करेंगे वापस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बच्चों, है ना। और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या डिस्कस किया था, आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया कि था कि आपके दो बैलून थे वो रिपेल हो रहे थे, ओके, आपके दो बैलून रिपेल हो रहे थे, और आपको यहाँ पर नजर आएगा कि हमने जब पहले बैलून को, जो पहला बैलून था उसको रब किया था बच्चों, तो क्या हुआ था, देखो ये यहाँ पर आपको रेड बैलून नजर आएगा, तो हमने इसको क्या किया, रब किया। जब इसको रब किया तो एक्चुअली हुआ क्या बच्चों, इस पर कुछ चार्जेस डेवलप हो गए, अब क्योंकि रबिंग से क्या होता है, एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे है ना, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जब ये हम किसी चीज़ में दो चीज़ को है ना रब करते हैं बच्चों, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो चार्जेस इस बैलून में आए, वैसे ही चार्जेस बच्चों जो आपका नेक्स्ट बैलून था उसमें भी आ गए, जब हमने उसको रब किया, ओके। और जब दोनों को रब किया, तो दोनों में क्या आ गए, सेम चार्जेस आ गए, रेड वाले बैलून में भी और ब्राउन वाले बैलून में भी, और जिस वजह से क्या हुआ, इन दोनों का रिपल्सन हुआ, ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, इज इट क्लियर। तो जब हमने इनको क्या किया, रब किया हेयर से, तो बच्चों इन दोनों में सेम चार्जेस आ गए बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ओके, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से इनमें सेम चार्जेस आया, और जब हमने इन दोनों को नजदीक लाए तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बच्चों आपको प्रीवियस स्लाइड में, आपको क्या पढ़ाया था कि जो आपके अनलाइक चार्जेस होते लाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच में क्या होता है, आपका रिपल्सन होता है, बट लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और रिपल्सन हमेशा लाइक चार्जेस। तो बैलून को जब हमने बालों से रगड़ा बच्चों, तो क्या हुआ, दोनों में सेम चार्जेस डेवलप हो गए, और जिस वजह से उनके बीच में रिपल्सन हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको बच्चों आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, आप समझे होंगे, और कोई भी क्वेरीज होगी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हैव ए गुड डे बच्चों।